तीसरे डिजिट की एक ही बार में। अच्छा भाई मेरे फोटो तो बड़ी है, ये नाम भी ऊंचा कर रखा है। ये दो गिलास फालतू करी बच के रही हो, ये कभी यहाँ सब की पढ़ दे। मैंग तवर नाम है जी, और ये मेडिटेशन और एक म्यूजिक होता है जापानी म्यूजिक, जिसके द्वारा बच्चे का जो तीसरा नेत्र होता है उसे खोला जाता है, और इससे खुलने के बाद बच्चा वो जो एक साधारण बच्चा होता है उससे 10 गुना ज़्यादा एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। वो जो चाहेगा वो कर सकता है, अगर उसने कोई अपनी ख्वाहिश अपने दिल में कर ली तो, अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमें उसे दिलानी पड़ती है। पता नहीं क्यों इसका मतलब इस तरह का इफेक्ट हम पे पड़ता है, मतलब उस बच्चे का इफेक्ट ये है। अगर ये चाहेगा ये आपका दिमाग पढ़ सकता है इसी टेक्निक के द्वारा, ये मतलब आगे जैसे जैसे इसे यूज करेगा तो इतना भी कर सकता है। ये सामने खड़े हुए एक आदमी को ये बता सकता है इसमें क्या बीमारी है, क्या इसे परेशानी है, और यहाँ तक इस तकनीक से अच्छे अच्छे जो कार्य होते हैं उन्हें भी कर सकता है, जो हम आंख खोल के भी नहीं कर सकते उन्हें वो आंख बंद करके भी कर सकता है। तो आपके कॉमन में कैसा विचार आया बच्चे को इस तरह की थेरेपी देने? मैं एक जगह बैठा हुआ था तो इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श चल रहा था, वहाँ सुधीर धामा जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा एक बार देख लो बच्चे को, इस तरह का मैं कोर्स करा रहा हूँ, अभी नई नई शाखा खोली है, तो मैं कहा चलो जी देख लेते हैं। तो उन्होंने जैसे मैं पहली बार लेके गया बच्चे को तो इससे वहाँ पे टेस्ट लिया गया, वहाँ तो इसने दिखाया नहीं कुछ करके, लेकिन जैसे ही मैं घर पे आके पूछा बेटे देखो, मैंने इसको पट्टी बांध दी, इसने तुरंत सब कुछ बता दिया। तो मैंने इसके अंदर रुचि देखी, इसके अंदर रुचि स्पेशल थी, बच्चे तो मैं 3 लेके गया था घर से, लेकिन इसके अंदर एक अलग से ही रुचि थी, इसका रुझान बढ़ा हुआ था कि मुझे पापा देखना है, बस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और इसने करके दिखाया। और इसने अभी उनसे 2-2 क्लास और कम किया लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा फास्ट हो जाता है, बच्चे और भी हैं वो भी बता देते हैं। पत्रिका को आज एक ऐसे हुनर मिला है जो शायद देश में कोई जानता हो, जापानी कला में माहिर एक बच्चा आंखों पर पट्टी बांध कर वह सब पढ़ सकता है जो एक नेत्रों से देखने वाला व्यक्ति। हमारे सामने वह शख्स मौजूद है, वह बच्चा मौजूद है जो आंखों पर पट्टी बांध कर सब कुछ देख सकता है। तो हम टेस्ट लेते हैं उसका, बच्चा किस प्रकार से यह सब करता है। ये भारतीय करेंसी है, हम उसके नंबर डिजिट जो है इस बच्चे से पढ़वाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं आंखों पर बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है, कहीं से कोई भी ऐसा झरोका नहीं है जिससे बच्चा देख सकता हो, लेकिन इसकी कला अब आप सब देखेंगे। लेना बेटे, इस पर डिजिट बताइए, डिजिट कितनी लिखी हुई है? 9। नहीं मतलब 9 तो है, शुरू से बताओ टोटल सारे बल। 5। A 2 8 6 6 4। बिल्कुल, ये कला भारत में कम देखने को मिलती है लेकिन जापान में यह हर बच्चे को लगभग वहां पर सिखाई जाती है। आंखों पर पट्टी बांध कर बच्चा वह सब देख सकता है जो एक आंखों वाला व्यक्ति देख सकता है।